एंटरटेनमेंट डेस्क सितंबर का महीना शुरू हो गया है और इस मंथ एक से बढ़कर एक बिग बजट फिल्में रिलीज होने वाली है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी फिल्म भी रिलीज हो रही है जिससे बॉलीवुड के दिग्गजों को एक बार फिर फ्लॉप का सामना करना पड़ सकता है। उस फिल्म का नाम है अवतार पार्ट 1। एक और जहां ऐश्वर्या राय की फिल्म पोन्नियन सेल्वन एक और रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र और ऋतिक रोशन सैफ अली खान की विक्रम वेधा जैसी फिल्में रिलीज हो रही है, वहीं दूसरी ओर हॉलीवुड की फिल्म अवतार भी रिलीज हो रही है। रिपोर्ट्स का माने तो 2009 में आई 1800 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को मेकर्स दोबारा रिलीज कर रहे हैं। फिल्म को 13 साल बाद दोबारा 23 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बता दें कि इस फिल्म ने 20,368 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इसका दूसरा पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर इसी साल 6 दिसंबर को रिलीज होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या फिल्म अवतार के आगे बॉलीवुड के दिग्गजों की फिल्में टिक पाएंगी या फिर साउथ की फिल्मों के सामने जो हाल हुआ था वैसा होगा। इस महीने यानी सितंबर में किन बॉलीवुड दिग्गजों की फिल्में रिलीज हो रही है और इनका बजट कितना है, आइए जानते हैं। 300 करोड़ के बजट में बनी डायरेक्टर अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को रिलीज हो रही है। फिलहाल ये फिल्म रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बयानों की वजह से बॉकआउट के घेरे में फंस रही है। ये फिल्म करीब 5-6 साल में बनकर तैयार हुई है, इसकी रिलीज का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। करीब 40 से 50 करोड़ के बजट में बनी सनी देओल की फिल्म चुप 23 सितंबर को रिलीज हो रही है। 30 सितंबर को सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा रिलीज हो रही है। करीब 170 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म साउथ फिल्म विक्रम वेधा का रीमेक है। जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 23 सितंबर को रिलीज हो रही यह फिल्म पहले ही दुनिया भर में धमाका कर चुकी है। फिल्म का दूसरा पार्ट अवतार 2 को 16 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। इस बीच की क्या हालत होगी, कमेंट्स में अपनी राय जाहिर कर सकते हैं।